हेलो यूट्यूब, दिस इज शुभम अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग साइबर बाबा। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे cPanel पर। अब जब भी वेबसाइट बनाने की बात आती है तो आपने कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना होगा cPanel। तो आखिर में cPanel है क्या, क्या इसके यूज हैं, फ्री है या पेड, आपकी वेबसाइट्स में क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो यार आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स पर बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको अपना cPanel भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम cPanel की, आखिर में होता क्या है। तो यार देखो, cPanel एक Linux बेस्ड वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल होता है जिसमें आपको मिलता है ग्राफिकल इंटरफेस। अब वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर cPanel का कोई भी काम नहीं। अगर cPanel ना भी हो तब भी आप अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं, बट हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मुझे एक फाइल ट्रांसफर करनी है अपने कंप्यूटर में वाया कमांड प्रॉम्प्ट, तो सबसे पहले मुझे कमांड्स टाइप करनी होंगी, फिर उन कमांड्स को टाइप करके मैं उस फाइल को ट्रांसफर करूंगा। बट अगर हम विंडोज की बात करें, यूआई इंटरफेस की बात करें, तो मुझे फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना होगा या फिर कॉपी पेस्ट। तो पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि आप बिना cPanel की भी अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि cPanel का काम सिर्फ आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना है। अब बात करते हैं यह फ्री है या पेड। तो यार भाई, यह बिल्कुल पेड है। अगर आपको cPanel को यूज करना है तो आपको इसे परचेस करना होगा। बट आपने भी देखा होगा, जब भी आप सैड होस्टिंग परचेस करते हैं, आप कोई भी सैड होस्टिंग परचेस करें, आपको cPanel साथ में मिलता है। बट जब आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या फिर डेडिकेटेड सर्वर परचेस करते हैं, तब आपको एक ऑप्शन भी आता है एड cPanel या फिर विदाउट cPanel। तो यार अगर आप चाहें तो आप इसे अपने सर्वर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से ही कोई सर्वर लिया हुआ है तो आप उस पर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बस cPanel में आपको आसानी होती है कि आप अपनी वेबसाइट को आसानी से होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, वन क्लिक में आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप पर और चेक करते हैं cPanel को। तो यार देखो, जब भी आप किसी होस्टिंग को परचेज करते हैं तब आपको उस होस्टिंग कंपनी की तरफ से एक मेल आता है जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, और उन डिटेल्स में आपको मिलता है cPanel का यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने जो होस्टिंग परचेज की है वह GoDaddy से, यहाँ पर मैंने GoDaddy का सेट प्लान परचेज किया है। तो हम चलते हैं और उसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पर मैंने 1GB रैम और अनलिमिटेड स्पेस के साथ यह परचेस किया है। खैर, अनलिमिटेड तो कुछ होता ही नहीं है, सब एक लिमिट तक होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है मेरे cPanel का डैशबोर्ड। आपको कुछ इस तरह से cPanel का इंटरफेस मिलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो मेरी वेबसाइट है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपने सर्वर की कुछ डिटेल्स शो हो रही है, जैसे कि CPU, मेमोरी, प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, फाइल यूजेस, डिस्क स्पेस और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद आप सिंपली से स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको फाइल्स का ऑप्शन मिलता है। तो आपको जो अपनी वेबसाइट या आपको सर्वर पर जो भी अपलोड करना है तो डायरेक्टली आप उसे cPanel से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से डेटाबेस, वेब एप्लीकेशन, डोमेन्स, मैट्रिक्स, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एडवांस, ईमेल, तो यह सब आपको मिलते हैं टूल्स। अब अगर आप अपनी वेबसाइट चलाते हैं तो cPanel की मदद से आप नॉन प्रोफेशनल भी अपनी वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पैनल की मदद से वेबसाइट को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। अब अगर जैसे आपको अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है तो फालतू कोडिंग करने की यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और आपका बैकअप रेडी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।